क्या आपने सोचा है कभी कि व्हेल्स और शार्क्स के ऊपर जो फिश चिपकी होती है या स्टक हुई होती है या उनके साथ स्विम करती है वो कौन सी फिश होती है? हे वेलकम टू फिश एंड सारी यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप लोग? तो गाइस मैं वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ मिस्टीरियस फिशेस। तो गाइस आज की हमारी मिस्टीरियस फिश है रेमोरा। जी हाँ गाइस, रेमोरा जो कि एक ट्रॉपिकल फिश है, एक मराइन फिश है जो टेम्परेट और कोस्टल एरिया में पाई जाती है। और कैसे कोता तो ये जादू की तरह रिजेंबल करती है। जहाँ गए जादू जो कि कोई मिलकर में आता है एक एलियन, तो उसके ऊपर गए जो आपको बता दो एक ऑर्गन होता है जादू के ऊपर जिससे वो धूप लेता है, ऐसा सेम ऑर्गन ये फिश के अंदर होता है। इसका मेन आपको अट्रैक्शन बता दूँ, इसके वजह से मिस्टीरियस और वियर्ड है। तो कैसे आपको बता दूँ उसके पास एक सुपर पावर है जादू की तरह। जी वो पावर है गाइस सक्शन। जी हाँ गाइस, सक्शन करती है आपकी अपने इस ऑर्गन से जो गाइस इसके हेड के ऊपर होता है। तो ये है गाइस चीज़ जिसे जो इसको एकदम वियर्ड और आप कह सकते हैं मिस्टीरियस बनाती है, इसका एक सुपर पावर। तो गाइस ये चीज़ एकदम रिजेंबल करती है जादू की तरह। अब छोड़िए गाइस ये टॉपिक को, साइड पे करते हैं। आपको बता दो उसका नाम क्या है। तो गाइस रेमोरा का नाम दूसरा नाम भी है जैसे कि आप कह सकते हैं व्हेल शार्क सकर। जी हाँ गाइस, ये व्हेल सकर और शार्क सकर के नाम से जानी जाती है। ये फिश जो है गाइस 1 फीट से लेके 3 फीट तक हो जाती है, जिसे आप कह सकते हैं गाइस 12 इंच से लेके 43 इंच तक हो जाती है, यानी कि बड़ी फिश है गाइस। जी हाँ, ये फिश शार्क व्हेल्स जैसी बड़ी फिश के ऊपर पाई जाती है। आप कह सकते हैं मेंटा रे, स्टिंग रे, बड़े टर्टल्स, आप कह सकते हैं सनफिश, सेल फिश वगैरह फिश के ऊपर ये पाई जाती है। और कैसे आपको बता दूँ एक्सीडेंटली ये कई स्कूबा डाइवर्स जो कि रीफ में डाइव कर रहे होते हैं, कोरल रीफ में डाइव कर रहे होते हैं, उनके ऊपर भी ये कभी कभी स्टक हो जाती है। साउंड्स फनी ना? जी हाँ गाइस, गाइस आपको बता दूँ ये बोट्स के ऊपर भी कभी कभी स्टक हो जाती है। बोट्स आप कह सकते हैं सेलिंग शिप्स के ऊपर भी स्टक हो जाती है, इसका काम ही गाइस स्टक होना है। और गाइस आपको बता दूँ ये फिश के अंदर स्विम ब्लेडर नहीं होता है, जिसकी वजह से गाइस स्विम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ये फ्लोट नहीं कर सकती ज़्यादा, इसलिए गाइस कोई भी फिश के ऊपर स्टक हो जाती है उनके सहारे लिए स्विम करती है, उनसे फ्री राइड लेती है, घूमती फिरती है। जहाँ कहीं सबसे सबकी मदद से घूमती फिरती है, इसको फ्रीज में घूमना फिरना पसंद है। गाइस आपको बता दूँ ये फिश के माउथ में और गिल्स में जाती है, वहाँ पे क्लीनिंग करती है। आपने देखा होगा शार्क्स के मुँह में जाती है, ये व्हेल के मुँह में जाती है। इसके अंदर जो पैरासाइट्स होते हैं और डेड रिमेन्स होते हैं उसको वो क्लीन करती है। ये फिश के बारे में आपको एक फन फैक्ट बताऊँ गाइस। तो गाइस आपको बता दूँ कि जो फिशरमैन्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो लोग इसको यूज़ करते हैं एज अ टर्टल फिशिंग। जी हाँ गाइस, अपनी जो फिशिंग लाइन होती है उसके ऊपर ये लोग इसको अटैच कर देते हैं, और ये जो होती है बाद में टर्टल के ऊपर जाके स्टिक हो जाती है। टर्टल के ऊपर स्टिक होने के बाद ये लोग इसे पुल कर लेते हैं, और जी हाँ गाइस इसे तरह से ये जो है टर्टल फिशिंग के लिए यूज होती है। और कैसे आपको बता दूँ लोग मानते हैं कि ये फिश बोट्स और शिप्स के ऊपर स्टक हो जाती है, चिपक जाती है, जिससे जो है इनकी स्पीड कम हो जाती है और कभी कभार रुक भी जाती है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो है इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम हो जाती है और रुक जाती है। क्या बात है गाइस, एक फिश शिप्स और बोट को रोक लेती है। इसके बहुत सारे नाम है गाइस, आप कैसे बता दूँ, कॉमन रेमोरा, लाइव शार्क्स सकर, आप कह सकते हैं रेमोरा और स्लेंडर वगैरह वगैरह। गाइस आपको बता दूँ एक हार्मलेस फिश है, ज़्यादा हार्म नहीं करती है किसी फिश को, इसके कोई दांत नहीं होते हैं तो बाइट नहीं करती है ये। बड़ा आपको बता दूँ गाइस ये थोड़ी इरिटेटिंग होती है, अनोइंग होती है, फिश को हैरान करती है, उनसे चिपके रहती है, तो इनसे छुटकारा लेना मुश्किल होता है क्योंकि इनका जो सक्शन होता है पावरफुल होता है। और गाइस आपको बता दूँ एक छोटी रेमोरा टूना और स्वॉर्ड फिश के ऊपर चिपकी रहती है। ये फिश पैरासाइट्स, स्क्रैप फूड, लेफ्ट ओवर फूड अपने होस्ट का खाती है। और जी हाँ गाइस, ये कार्निवोरस फिश है, यानी कि नॉन वेजिटेरियन फिश है, मगर इससे आपको ज़्यादा कुछ खतरा नहीं है क्योंकि ये इंसानों के ऊपर हमला नहीं करती, खाली इनके ऊपर स्टक होती है, यानी कि इनको जो भी मिलेगा उसके ऊपर स्टक होगी। तो गाइस ये इसको मिस्टीरियस और वियर फिश बनाता है। तो गाइस आपको कैसा लगा हमारा एपिसोड मिस्टीरियस फिशेस का, हमारी रेमोरा कैप को रेमोरा फिश आपको कैसी लगी बताएं जरूर कमेंट में। तो गाइस सॉरी मैं बहुत टाइम से इनएक्टिव था, तब मैं एक्टिव वीडियो डालूंगा। तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी और वीडियो बनाने के लिए, और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़रूरी है, और बेल आइकन दबाना तो बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ऐसी वीडियो की और ऐसी बहुत सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो गाइस इंस्टाग्राम फेसबुक पे
फिश एंसारी को फॉलो कर लो। टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है या नहीं भी है तो टेक एंसारी को फॉलो कर लो, और गेमिंग में सबको इंटरेस्ट होता ही है, तो जाके वेनम एंसारी 360 को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस मिलता है आपको अगली वीडियो में अगले टॉपिक साथ, तब तक लिख डू बाय स्टे ट्यून टू फिश एंसारी, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। चलिए गुड बाय।